बिल्डिंग की पूरी वायरिंग में गड़बड़ है, मेन लाइन में बड़ा फॉल्ट है, जो ठीक थी वो भी वायर जल गई है, काम बढ़ गया है, काम पूरा होने में लेट हो जाएगा। देखिए कुछ भी हो जाए हम 16 तारीख को आपको आपका घर दे ही देंगे। लेकिन इस बार हम लोग दिवाली हमारे घर में नहीं मना पाएंगे। अरे हम लोग सिर्फ हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, अरे इन सब के बारे में भी तो सोचो, ये लोग भी अपना घर परिवार छोड़ के हमारा घर बनाने में जुटे हुए हैं। अरे भाई इस साल हम अपने अपने घर में दिवाली ना मना पाए तो कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलके सोसाइटी कंपाउंड में दिवाली मनाएंगे। करेक्ट क्या चाचा जी, जब हम सब संग है तो किस बात का गम है, क्योंकि असली मजा। चलो भाई अब जो हो गया सो हो गया है, सब भूल जाओ, तुम लोग फिर से काम शुरू कर दो। हम सब लोग दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं, साथ में दिवाली मनाएंगे। करेक्ट, चलो 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 फटाफट सब काम शुरू करो, 16 तारीख से पहले हमें काम खत्म करना है। चलो 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 हो गया ठीक है। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बार दिवाली की क्या तैयारियां करें। वेरी ट्रू। हाँ हर साल हम दिवाली ऐसे मनाते हैं कि वो यादगार बन जाती है, लेकिन इस बार की दिवाली रिनोवेशन की वजह से बहुत याद रहेगी। हर साल हम घर में कितनी सारी मिठाइयां कितना सारा फरसान बनाते हैं, इस साल हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पता है मैं हर दिवाली में टप्पू के पापा की मनपसंद चीजें बनाती हूँ, शक्करपारा, चकली, घुघरा। घुघरा? घुघरा वो घुघरा, वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो गुजिया, गुजिया कहते हैं ना। हाँ हाँ वो घुघरा। हाँ गुजिया, फिर नारियल के लड्डू, मोहन थाल। मैं तारक की अंजीर मिठाई भी नहीं बना पाई विदाउट शुगर। इस बार दिवाली होगी पर हमारे घर में फरसान और मिठाई नहीं होगी। चलो मेरे इनसे जाके बात करते हैं। गिरी भाई से क्यों? अरे वो सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना, तो कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकालेंगे। नहीं का अच्छा टप्पू से ना ध्यान रखना कि ये कंदील है ना सेंटर पे लगना चाहिए, ऑफ सेंटर नहीं। अच्छा अब्दुल गेटवे जले और सबको बोल रहा सोसाइटी मस्त तरीके सजाए, बिल्कुल घर जैसी लगनी चाहिए। बुले भाई सोसाइटी आपका घर ही तो है, ऐसा सजाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। आहो ओ आओ आओ महिला मंडल आइए, देखिए टप्पू से ना मस्त तरीके कंदी सजा रही है, हम लोग पूरी सोसाइटी को मस्त तरीके सजाने वाले है। क्या फायदा, पर हमें तो बिना घर के सेलिब्रेशन जैसा लग ही नहीं रहा है। दिवाली का त्योहार होता है तो आनंद उत्साह होता है, लेकिन इस बार हमारे अंदर वो ढूंढना पड़ेगा। इस बार तो मैं भी कहती हूँ ना, हमने फरसान बनाए हैं ना मिठाई बनाई है, कैसे दिवाली मनाएंगे। मुकार भाई जरा विचार करो, दिवाली के दिन अगर हमें किसी का मुंह मीठा करवाना होगा तो ते कैम कराओ सू। एग्जैक्टली इत्तू से भी मिठाई नहीं बना पाए तो उदास होने वाली कौन सी बात है भाभी, इसमें हम लोग इतनी सारी मिठाई मंगा लेंगे। अच्छा, इतनी सारी थोड़ी ज्यादा मंगवाना, मजदूरों को भी देंगे ना हम लोग। हाँ हाँ चलो, हाँ एटलीस्ट ये अच्छा है। ओके ओके इतनी सारी मिठाई मंगा लेंगे। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ मिठाई वाले को। हाँ करो करो। जी हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ जी बोलिए बोलिए सर। दरअसल हमें हमारी सोसाइटी के लिए मिठाई का ऑर्डर देना है, काफी सारी मिठाई मंगवानी है जिसमें अलग अलग मिठाई हो, जैसे काजू कतरी, घेवर, फिर मोतीचूर के लड्डू, घी वाले, यू नो एकदम A1 मिठाई होनी चाहिए। हाँ ठीक है आप फोन नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए, पहुँच जाएगी। हाँ हाँ मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। हाँ जी कहिए। आत्माराम सॉरी गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी रोड, गोरेगांव पूर्व। ओके ओके पहुँच जाएगी। ओके जी थैंक यू दे दिया ऑर्डर, खुश।
थैंक यू सो मच मेरे भाई, हमारा ये टेंशन तो दूर हो गया। अब हम खुशी से दिए जलाएंगे, रंगोली मनाएंगे, मस्त दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। अंजलि, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ मेहता साहब? ये तो बाबू भाई का डायलॉग था। डायलॉग बाबू भाई का है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भिड़े। अंजलि, वो दिवाली की रात को, असल में मेरे बॉस का अभी भी फोन आया, वो हमारे नए ऑफिस का उद्घाटन है दिवाली की रात, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं कंपाउंड में हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली नहीं मना पाऊंगा रात को। अरे अरे, ये आप ही नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा मेहता साहब? वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। आपके बॉस को भी उसी दिन का मुहूर्त मिला, कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता तारक? एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता अंजलि, तो मैं कहता ही क्यों कि गड़बड़ हो गई। और मुहूर्त तो मुहूर्त के दिन ही होता है ना, बदल नहीं सकता है, क्या कर सकते हैं चाचा जी, बॉस ने कहा आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी ऑफिस का काम है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? तो फिर आप दिवाली अपने बॉस के साथ मनाइएगा और मैं अपने गोकुलधाम वासियों के साथ। लेकिन मैं मिस करूंगा। थैंक यू अंजलि समझने के लिए, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, वेलकम। पर वहाँ कुछ खाना मत ज्यादा, ठीक है? अरे भिड़े भाई, बाबू भाई, अरे अब क्या प्रॉब्लम हो गया दीवार तोड़ के? अरे कुछ नहीं, हम तो ये बताने के लिए आए थे कि वायरिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा है दीवार तोड़ के। प्रॉब्लम ना है बोलते हैं, सवाई नहीं है ना। एक्चुअली वरना मुझे तो लगा था आप कुछ धमाका करेंगे बम फोड़ के। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। आप लोग जब से आए तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, दिवाली के दिन आपको अपने परिवार से मिलना हो, अपने परिवार के साथ दिवाली मनानी हो, तो आप सब लोग एक दिन की छुट्टी लेके जा सकते हैं। हाँ भाई। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया चाचा जी, हम लोग दिवाली पे छुट्टी नहीं लेने वाले, हम यहीं दिवाली आपके साथ मनाएंगे। क्या बात, शाबाश बेटा, शाबाश। आपके साथ हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम हमारे परिवार के साथ ही रहते हैं। अरे आप जितना प्यार देते वो कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हम लोग दिवाली साथ मनाएंगे, क्योंकि असली मजा। इतनी रोशनी ये सब दिया की वजह से है कि आपके मुस्कुराहट की वजह से समझ में नहीं आता। चीता जी आप भी ना। हैप्पी दिवाली बबीता आंटी। हाय हैप्पी दिवाली गोली। हैप्पी दिवाली जेठा अंकल। बेटा हमने तो किया ना। नहीं किया जेठा अंकल। हैप्पी दिवाली जेठा अंकल। ओ हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। बस बस बेटा, इतना ज्यादा नहीं हो करने का। नहीं अंकल, आज मैं बहुत खुश हूं ना, इससे थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। चाचा जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई, अरे आओ आओ भाई। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली दादा। हैप्पी दिवाली भाई, अरे आओ आओ भाई। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली दादा। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली भाई। तो खाली खाली हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली क्या कर रहा है? मिठाई कहाँ है? मिठाई तो ऑर्डर की है मैंने जेठालाल, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ फोन करके। पूछ भाई पूछ। हेलो, हाँ मैं आत्मारम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। हाँ जी, आपके यहाँ पे हमने मिठाई का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक मिठाई लेके कोई आए नहीं यहाँ पे। अरे भाई माफ करना, ऑर्डर्स इतने हैं कि हम पहुँच ही नहीं पाए है? आपके पहले के ऑर्डर्स भी कम्प्लीट नहीं कर पाए। कैसे? अरे लेकिन चाहिए तो कल तक भिजवाते हैं। कल तक का क्या मतलब है, मिठाई अभी चाहिए भाई? वो फिर माफ कीजिए। हेलो हेलो, माफ कीजिए मतलब? अरे कमाल है, फोन कट कर दिया। एक मिनट, क्या हुआ भिड़े भाई? क्या आदमी है, बोल रहा कि अभी मिठाई नहीं भेज सकते, कल भेज दूंगा। अरे ऐसे कैसे, दिवाली पे मिठाई नहीं? दिवाली आज है, कल मिठाई का क्या करेंगे हम लोग? ये क्या बात हुई भिड़े मास्टर, बिना मिठाई के दिवाली? यारो ये तो अपनी बैंड बज गई। Woo!
मिठाई के साथ साथ ये बैंड वाले को भी लक्की किया था। नहीं नहीं भाई, तो फिर ये बैंड वाले क्यों आए? ओहो पप्पू छुपे रुस्तम तेरी जारी पिक वाली वाली मेरी बात ले राजा। अरे भाई क्या कर रहा है सोडी? मेरी शादी तय होती तो सबसे पहले मुझे पता चलता ना। हाँ वही तो, ये तो मुझे ही नहीं पता किसकी शादी का बैंड बज रहा है। तो इन लोगों को जरा पूछे ना कि हमारी सोसाइटी में किसकी शादी में आए। हाँ करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है शायद गलती से आ गए होंगे। अरे नट्टो काका भागा पाउरी और बावरी के साथ शादी नक्की नहीं हो गई? नहीं नहीं तो फिर हमें बताएंगे ना पहले। बाबू भाई हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। नटू काका ये बैंड आप अपने साथ लाए हैं? अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, हम तो आप लोगों के साथ दिवाली मनाने आए हैं। हाँ पर तो साथ में बैंड लाए हैं ना? ये बैंड हम नहीं लाए हैं, तो बैंड बजे का बिल हमारे नाम पे मत लगाइएगा। अच्छा बज रहा है, बजने दो। अरे तो फिर ये लोग क्यों बैंड बजा रहे, कौन है ये लोग? अरे भाई कोई तो पता लगाओ कि ये लोग कौन है और यहाँ क्यों बैंड बजा रहे। अरे मुझे पता बैंड बजा के नाचने का भी मजा आता है, पर इस समय बैंड क्यों बजा रहे हो भाई साहब? वो बैंड क्यों बजा रहे हैं ये लोग? ओ भाई साहब ये लोग बैंड क्यों बजा रहे हैं जी? यहाँ का पता दिया इसीलिए यहाँ बैंड बजा रहे। यहाँ का पता किसने दिया जी? प्रेम ने। प्रेम? वो कौन प्रेम? प्रेम जी के कहने पे हम यहाँ आए। अब प्रेम जी के कहने पे आए, पर ये प्रेम कौन है जी? भाई साहब तुसी से बता दो प्लीज, प्रेम कौन है जी? अब प्रू और ये प्रेम कौन है यार? प्रेम? हाँ प्रेम। प्रेम? हाँ प्रेम। प्रेम? प्रेम? कौन सी हमारी सोसाइटी? एक मिनट, कहीं वो प्रेम तो नहीं? कौन सा कौन प्रेम? अरे मेरा मतलब मैं जो सोच रही हूँ अगर वही प्रेम है तो। अरे पर कौन कौन सा प्रेम, कौन है ये? कौन प्रेम है कौन? बच्चे जी क्या हुआ? सामने देखिए। सोनम जी डर जाएंगी यार, मुझे अकेला छोड़ के चली जाएंगी। दोस्त प्लीज ऐसा मत करो, देखो ऐसा करेंगे तो फिर सलमान भाई वापस चले जाएंगे। वो हमसे ही मिलने आए हैं। आप हमसे ही मिलने आए हैं ना? और किससे मिलने आऊंगा यहाँ पर? केम छो बद्दा मजामा बड़कम सत्रीकाल। ओ सत्रीकाल जी। सब भालो मजामा ना, मजे में ना, बहुत अच्छे। और यो पार्टी। अरे एकदम मजामा, फर्स्ट क्लास। लवली। अरे वाह सलमान बेटा, तुम 4 साल पहले यहाँ आए थे लेकिन फिर भी तुम्हें गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग याद है। अरे क्या चाचा जी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। नो चांस चाचा जी,
और स्पेशली दया बहन। थैंक यू। तेरा व्यक्तित्व ही ऐसा है कि भल भले लोग तुझे भूल नहीं सकते। अब सलमान भाई सोनम बहन, मैं आप दोनों की आरती उतारना चाहती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ जा जल्दी, जा जा जल्दी लेके आरती, आरती हो तो। हे आइए पधारिए सलमान भाई जी, साथ में आए हैं सोनम बहन जी, गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत है। हे स्वागत है, आपकी फिल्मों ने सबको पागल कर दिया, यहाँ आने से चार चांद लग गए, प्रेम रतन धन पायो के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए सलमान भाई जी। आरती दे, आरती दे। सलमान खान भाई और सोनम बहन, आपका गोकुलधाम सोसाइटी में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सलमान जी, आप गोकुलधाम वासियों की बहुत तारीफ करते हैं, आप इन सब की पहचान मुझसे भी करवाओ ना। हम तो आपको जानते ही हैं। आप सोनम जी हैं, अनिल कपूर जी की बेटी और बेहतरीन अदाकारा। थैंक यू। और सोनम जी आप बहुत प्यारी हो। और आपका वो मसक्कली गाना तो सुपर से भी ऊपर था। पता नहीं वो गाना हमने कितनी बार सुना होगा। कितनी? 100 times सर, 100 times। Even more than that. सलमान खान भाई जी, आप जरा सोनम बहन से हमारा इंटर कट करवाएंगे जरा? इंट्रोडक्शन? पहचान पहचान करवाने की बात कर रही है। इंटर कट ही कराता हूँ मैं आपका इनसे। मैंने इनको आप सबके बारे में बता दिया है, ये खुद आप सबको पहचानेंगी 1 by 1। सच? कोशिश करूंगी। ऐसा करते हैं कि मैं एक एक करके सबको बुलाता हूँ, तुम ही उन सबको पहचान जाओ ना। मैं उनको पहचान लूंगी, पर थोड़ी सी हिंट दे देना, उनकी खासियत क्या है वो तो बता देना। बरा, 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 तो ठीक है, इतना तो कर दूंगा मैं। आइए माशा जी, पहले आप आइए। पहला मासा नंबर है। पहचानिए, ये है सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी। कॉलर टाइट किया सेक्रेटरी, ये है अपने जमाने के भेड़ी भाई। इनका तीखे मीठे खट्टे बड़े छोटे अच्छे बुरे अचार पापड़ का बिजनेस है, है ना? अचार पापड़ के बिजनेस। माधवी भाभी। मैं आधी सिंधी हूँ तो मुझे पापड़ और खाना बहुत पसंद है, तो आप घर पे थोड़ा सा भेज देना प्लीज, अचार भी। अरे नक्की मुझे कहा है, ये डिलीवरीज करते हैं। ए, अचार और पापड़ की? हाँ हाँ। बोलत जाला तू बाबा। सॉरी। अनिल कपूर साहब की बेटी है सर, आपके जमाने के नहीं, मतलब हमारे जमाने के तो है ही वो, लेकिन आज भी उनका जमाना चल ही रहा है। शुक्रिया। अरे सर आप तो सामने आइए, पहचाना ये कौन है? इनका छाता इनकी पहचान है। छाते वाले। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, कहने का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में लोग सलमान खान से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। और वही सलमान खान दिवाली मनाने के लिए गोकुलधाम में आए, और सोने पे सुहागा ये कि अपने साथ सोनम कपूर को भी लाए। अब बताइए इससे बड़ा धमाका, इससे बड़ा दिवाली गिफ्ट क्या हो सकता है? अब सलमान खान हम सभी की खासियत बताने वाले, और सोनम कपूर जो हमसे पहली बार मिल रही है, हम सबको पहचानेंगे। और यहाँ छतरी हिलाते हुए पोपटलाल आ गए हैं, अब देखना ये कि
इन्हें सोनम कपूर पहचानती है कि नहीं, और नहीं पहचानती तो क्या होगा। अभी सभी के चेहरों पर बड़ा तनाव भरा प्रश्न चिन्ह है कि क्या होने वाला है, लेकिन कल दिवाली है और बहुत कुछ होने वाला है। दिवाली पर यहाँ पे सिर्फ पटाखे नहीं छूटेंगे बल्कि खुशियों की लड़ियां छूटने वाली है, मस्ती के अनार फूटने वाले हैं। दिवाली ठाक और हंसी के साथ मनाएंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। दरअसल हमारी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशंस के लिए हम पास ही आए थे और सलमान जी ने कहा कि दया भाभी बहुत अच्छा गुजराती खाना बनाती है और मुझे गुजराती खाना बहुत ही पसंद है। यहाँ पर जो भी आता है उंगली तो क्या चम्मच और हाथ भी चबा जाते हैं, यहाँ से सब टुंडे होके जाते हैं इनका खाना खाने के बाद। आधे घंटे में हमको जाना है, फटाफट बना के दे दीजिए खाना। जरूर, क्यों नहीं, अभी लाइए। क्या लाए, कहाँ से? अरे क्या अभी बना देंगे, कहाँ से बना देंगे, हमारे घर तो टूटे हुए हैं ना। आज तो बुरे फंसे, क्या करेंगे। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।